और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोबेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रामचंद्र भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पा लेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रामझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। सर फरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, अब देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। जी हां, कुछ ऐसे ही अल्फाजों के साथ विश्वव्यापी महामारी कोरोना को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पर तैनात सुरक्षा बलों द्वारा किस प्रकार मुस्तैदी से ड्यूटी निभाई जा रही है और क्या है मुगेली का हाल, देखिए इस रिपोर्ट में। नमस्कार, स्वागत है आपका आरजे रामझाझर में। और इस वक्त हम खड़े हैं मुगेली जिला के दाऊपारा चौक में। आप देख सकते हैं जो कोरोना वायरस है, COVID-19 की अगर बात करें तो उसको लेकर जो बातें आ रही हैं कि भाई 22 मार्च को सवेरे 7 से लेकर 9 बजे तक जो बंद रखा गया था, उसके बाद शाम को 5 बजे की अगर बात करें तो सभी अपने घर के मुंडेर पर आ गए। कोई थाली बजा रहा था, कोई थाली बजा रहा था, शंख नाद कर रहे थे, बहुत सारी चीज़ें हुई। लेकिन अगर आज की बात करें, आज है 23 मार्च की अगर बात करें तो आज दो चीज़ों के लिए विशेष है, क्योंकि सुकमा में अगर हम बात करें जो हमारे 17 जवान थे उनको शहीद कर दिया है, 5 नक्सलियाँ उस मुठभेड़ में मारे भी गए हैं, तो उनकी याद में भी आज अगर मुंगेली जिला की बात करें तो सभी शांत हैं। लोगों के दिल में तो है उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, लेकिन चूंकि 144 धारा लगा हुआ है इसलिए लोग घरों से बाहर नहीं आ रहे हैं। लेकिन अगर और दूसरी चीज़ की अगर बात करें तो आज है शहीद दिवस। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। ये मौका इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि वो जो फ्रीडम फाइटर्स थे हमारे, उनको शहीद किया गया था, उनको फांसी पर चढ़ा दिया गया था। और आज जब हम सुकमा शहीदों की बात करते हैं तो इस वजह से ये दो प्रकार से आज का दिन विशेष हो जाता है। मैं आज दिखाता हूं आपको स्थिति दाऊपारा में। अगर आप देख सकते हैं कुछ जो संस्थाएं हैं जैसे मोबाइल दुकान है, डेयरी फार्म है, मेडिकल स्टोर्स हैं, इनको खोलने का परमिशन दिया गया है, लेकिन चूंकि धारा 144 लगा हुआ है और कोरोना वायरस बहुत ही खतरनाक है तो इस वजह से भीड़ भाड़ नहीं होना चाहिए, यह सख्त हिदायत दिया गया था। लेकिन उसके बावजूद भी चूंकि कुछ ही मेडिकल खुले हुए हैं, वैसे भी मुंगेली जिला में मेडिकल की बहुत कमी है, तो जो खुले हुए वहां पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से भीड़ लगा हुआ है। बाकी अगर चौक की बात करें तो पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है, चारों तरफ लोग नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें इधर मोबाइल दुकान, मैं आपको दिखाना चाहूंगा तो यहां पर कुछ लोग हैं, उपस्थित हैं और ये भी डर के साए में जी रहे हैं किस प्रकार से उस वायरस के संक्रमण को बचाया जा सके। ये सभी डिस्टेंस बना के खड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं कोई टीका हुआ नहीं है, लोग मास्क लगाए हुए हैं। लेकिन मास्क लगाना कंपलसरी नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि ये वायरस हवा से नहीं फैलता है, ये टच होने से फैलता है। तो चलिए हम कुछ लोगों से बात करते हैं, दूरी बनाए हुए हैं हम। आइए भैया, आइए जी, ये बताएं धारा 144 लगा हुआ है, मुंगेली की स्थिति कैसी है और आज है शहीद दिवस, दो चीज़ों के लिए आज का दिन खास है, क्या कहेंगे इस बारे में? अब 144 के नाम से लोग बाहर कम निकल रहे हैं और दुकान जैसे मेडिकल खुला, डेयरी किराना खुला, वहाँ नियम का पालन नहीं कर रहे, एक साथ सब घुस रहे हैं और सबको सामान दे रहे हैं। दुकान वाले के चीज़ को नियम को पालन करना चाहिए, शासन का जो नियम है उनके मुताबिक लोग को सामान देना चाहिए। जी बिल्कुल। अच्छा ये बताएं, जैसे कल आपका बाइकआउट कर दिया गया था, पूरा भारत देश बंद था सवेरे 7 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक, उस समय पे आम जो जनमानस है वो क्या कर रही थी घरों में बैठ के? अब सब घर में बैठे थे, 5 बजे के बाद थाली पीटना बोले थे मोदी जी, है ना, उसके बाद सुकमा में हुआ वारदात हुआ, हमारे जवान शहीद हुए, उसको कोई श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पे तो कोई चौक में नहीं दिखे हमको। चलिए, कोई श्रद्धांजलि देने के लिए नहीं दिखे, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे, जो हमने थाली बजाया, जो पीएम मोदी ने कहा था कि आप थाली बजाओ, ताली बजाओ, शंख बजाओ, जो आपको बजाना है आप बजाओ, उससे क्या फ़ायदा हुआ, क्या लगता है आपको? अब उसको एक प्रकार से मोदी अपना कुछ उसमें निकाले होंगे जी। चलिए, एक एंजॉय का पल था वो। और बेसिकली मैं आपको बता दूं कि भाई वो जो गुंजायमान था, वो जो ध्वनि तरंगे जो उत्पन्न की जा रही थी आम जनमानस के द्वारा, वो उनके लिए थी। जो पुलिस प्रशासन जो आपके सुरक्षा व्यवस्था में तैनात है, जो आपके डेयरी वाले जैसे मोबाइल शॉप वाले अपने जान को खतरे में डाल के खोले हुए हैं ताकि आपके मोबाइल का जो व्यवस्था है वो चरमराए मत, मेडिकल स्टोर वाले जो मेडिकल खोल के बैठे हैं ताकि आप किसी भी स्थिति परिस्थिति में हो आपको दवाई कम से कम उपलब्ध हो जाए, तो ये जो तालियां थी वो तालियां इनके लिए था। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है भारत में। चलिए हम कुछ लोगों से और बात करते हैं। आइए जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय में, जो ताली बजाया गया उससे क्या फायदा हुआ, क्या कहना चाहेंगे आप? सर, मैं एक चीज कहना चाह रहा हूँ, 144 धारा जो लागू हुई है, है ना, 144 धारा का लागू एक जगह 5 व्यक्ति स्थित नहीं होना चाहिए,
है ना जी। लेकिन आप देखेंगे डेयरी में देखेंगे, फल दुकान में देखें, सब्जी दुकान में देखें, ये सब लागू है, तो इसे पुलिस प्रशासन क्यों नहीं ध्यान नहीं दे रही है? सही है ना, बाकी मेरा कुछ नहीं कहना है, बस वही है। चलिए, पुलिस प्रशासन क्यों ध्यान नहीं दे रही है, चलिए इसमें भी बात है। क्या कहेंगे चाचा, क्यों पुलिस प्रशासन ध्यान नहीं दे रही है? क्या वो आम नागरिकों को परेशान होने दे, क्योंकि स्थिति और भयावह हो सकती है? नहीं, आप बताइए ना, आपको क्या लगता है, आप अपने दिल की बात बता सकते हैं। मैं इस बारे में नहीं बोलता भाई। चलिए, इस बारे में नहीं बोलना चाह रहे हैं, लोग कतराते हैं बोलने के लिए बेसिकली। चलिए चाचा बोलेंगे जी, क्या बोलेंगे? अच्छा, दूरी बनाए रखें, बस एक मीटर का फासला एक बनाए रखें। सबसे पहले तो आज शहीद दिवस है, मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और जो नौजवान हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में जो शहीद हुए हैं उनको भी मैं नमन करता हूं, श्रद्धांजलि देता हूं। और हमारे प्रशासन ने जो कल बंद कराया था पुनः बहुत अच्छा है, क्योंकि अपन इतना बड़ा कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं। अच्छा, ये बताएं, एक दिन के बंद कराने से क्या हो जाएगा? खैर, अब उसको बंद तो करके कम से कम देखा जा सकता है कि ये बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, घट हो रहा है, इससे उसमें कुछ न कुछ उपाय करेंगे। चलिए ठीक है, ये तो जो होना था वो तो हो रहा है, अभी भी लगातार 9 दिन के लिए अभी बंद कर आह्वान कर दिया गया, 31 मार्च तक अभी सब बंद रहेगा। लेकिन जो जरूरी चीज़ें हैं, चाहे मेडिकल की बात करें, मोबाइल शॉप की बात करें, डेयरीज की बात करें, मंडियों की बात करें, जहाँ पर आपको बेसिक जो चीज़ें मिल सकती हैं वो बंद नहीं है। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव 23 मार्च 1931, जानते हैं क्या भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को? क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? उनको सूली पे चढ़ा दिया गया था और आज उनका शहीद दिवस है, मैं उनको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। चलिए, तो वो जो 23 साल की उम्र में, 24 साल की उम्र में जो तीन योद्धा थे हमारे, महापुरुष आप कह सकते हैं उनको, लेकिन एक मेच्योर समय में, मतलब एकदम जवानी के कगार पर वो थे, और उस समय उन्होंने अपने देशभक्ति के लिए अपनी शहादत दे दी। आज की जनरेशन के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जो बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, गरीबी से जूझ रहे हैं, नाना प्रकार की उनके पास समस्या होती है, जब अगर कुछ करने के लिए बोलो तो हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, वो उतने कम उम्र में वो उतना कुछ कर गए, क्या कहेंगे आज के जनरेशन के बारे में? करना चाहिए, उनको भी करना चाहिए जी। क्या कहना चाहेंगे आप, आज की जनरेशन क्यों इतना सोचती नहीं, अपने देश के लिए अपना फर्ज क्यों अदा नहीं करती? वो आजकल की जनता क्या है, अपने आप में ये हो गई व्यस्त, जिसको कहा जाए बेरोजगारी, और जो काम नहीं करना चाहते, आजकल फ्री में पैसा चाहिए हर आदमी को, ऐसा लगता है कि सरकार तो इतना कुछ दे रही है, वो ऐसे ही घर में बैठ के खाना चाहते हैं। बिल्कुल, अब वो एक तरह से वो लापरवाह हो गए हैं और अपनी जिंदगी को उतना सीरियसली नहीं ले रहे हैं। चलिए, इस प्रकार हो गए हैं कि हर चीज फ्री में मिल रहा है तो अपने को काम की क्या जरूरत है। आजकल के डेट में देखो, वर्कर को कोई भी बुलाने जाएगा काम करने के लिए तो ऐसा लगता है जैसे पैर पड़ना पड़ता है उनका, और वर्कर वो नहीं, अदर दुकान वाले हो गए हैं आज के डेट में। नमस्कार, मैं हूँ मानस राज दिवाकर और आप देख रहे हैं आर जे रामझाजर। आज हम मुंगेली जिला के पड़ाव चौक में स्थित उपस्थित हैं, जहां बहुत भीड़ भड़ाके वाला इलाका है, लेकिन कोरोना वायरस के चक्कर लोग अपने घर से नहीं निकल रहे हैं। देखा जा सकता है कि यहां भीड़ बहुत बहुत कम भीड़ है, और मैं कहना चाहूंगा कैमरामैन से कि ये पूरा पड़ाव चौक का प्रसिद्ध होटल है, जो पूरा आज कोरोना वायरस के चक्कर पूरा बंद हो चुका है, और यहाँ ड्यूटी पे कुछ अधिकारी कर्मचारी लोग तैनात हैं। आइए बात करते हैं जो ड्यूटी में तैनात हैं यहाँ पे हमारे साथ में जो कर्मचारी हैं उनसे बात करते हैं। जी सर, जो आपके द्वारा सुरक्षा व्यवस्था बनाया गया उसके बारे में बताइए। देखिए, कोरोना वायरस से किसी खास देश का नहीं है, ये पूरे विश्व का वैश्विक बीमारी है, महामारी है, और इस संबंध में हमको जो जिला प्रशासन द्वारा अपने पुलिस अधिकारियों द्वारा आदेश मिलते हैं उस हिसाब से हम लोग ड्यूटी करते हैं, और 24 घंटे लगातार ड्यूटी चल रही है, चौक चौराहे में चल रही है, लगातार पेट्रोलिंग चल रही है ना। लोगों को समझाइश देते हैं कि अधिक से अधिक अपने घर में रहें, बाहर न निकलें, और जो निर्देश दिए गए हैं बार बार हाथ अपने सैनिटाइजर से साफ करें, और मुंह नाक कान बांध, मतलब मास्क लगा के चलें, है ना। और जो बाहर से लोग आते हैं उनकी जानकारी पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को दें, जिससे किसी प्रकार का संक्रमण अपने
क्षेत्र में न फैल सके। सर जो आम राहगीरों हैं उनको हाट बाजार बंद होने की वजह से किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? कोई समस्याएं नहीं रहती हैं, एक दो घंटा का चार घंटा का हम लोग समय देते हैं, राशन दुकानें खुली हैं, फल दुकान खुली हैं, दूध दुकान डेयरियाँ खुली हुई हैं, यहाँ जिसको जो सामान चाहिए वो सब उपलब्ध हो जाता है। बस ये है कि जहाँ इकट्ठा होकर के भीड़ न लगाए, पब्लिक इकट्ठा ना हो, दो आदमी तीन आदमी मिल करके अपना अपना सामान खरीदें, अपने अपने घर जाए, घर में बच्चों के साथ सुरक्षित रहें, ऐसी समझाइश हम लोग देते हैं सब जी। तो पुलिस वालों का कहना है कि एक घंटे दो घंटे जो राशन का दुकान है, डेयरी दुकान है, फल दुकान है, उनको खोलने का समय दिया जाता है, वही समय में आके अपना जो आवश्यकता के सामान रहता है उसको ले जाया करते हैं। सभी चौक चौराहा में मेरे ट्रैफिक के स्टाफ लगे हुए हैं और ना लोगों को समझाई दिया जा रहा है कि सब अपने अपने घर में रहे, बाहर ना निकले, और यहाँ घर में ही रह के इसके कोरोना ऊपर लड़ा जा सकता है। बस इसी समझा रहे हैं सब जन को कि बाहर ना निकले करके। तो बस सभी आप लोग के भी द्वारा भी कुछ संदेश दिया जाए कि घर से बाहर ना निकले, जितना हो सके घर के अंदर रहे। कुछ दिन के लिए तो समस्या है, कुछ दिन समस्या है, उनको झेलना पड़ेगा। बाकी साग सब्जी और जो किराना दुकान वगैरह सब तो खुला हुआ है, आम पब्लिक के लिए ज़्यादा परेशानी नहीं है। चलिए हमारे साथ एक और चाचा उपलब्ध हैं, हम इनसे बात करते हैं। चाचा आज है शहीद दिवस, भगत सिंह राजगुरु सुखदेव, क्या कहेंगे इस विषय में बताइए ना। भगत सिंह भाई, अब क्या है, कोरोना के वायरस चलते ना सब इनको भुला दिए हैं आज। कोरोना वायरस से चलते सब जो अपने सेफ्टी देख रहे हैं, है ना, इसलिए उसको कोई याद नहीं कर रहे हैं भाई। याद करने का समय इसलिए नहीं है क्योंकि कोरोना चारों तरफ फैला हुआ है, कोरोना ने उनकी शहादत को भुला दिया है। चलिए, अच्छा ये क्या कहेंगे आप कि जो कल पीएम मोदी ने कहा था कि आप घर के मुंडेर से निकलें 5 बजे और ताली बजाएं, शंखनाद करें, घंटी बजाएं, क्या फायदा हुआ इससे? उससे फायदा ये हुआ कि जो हमारे कर्मचारी, जो सफाई कर्मचारी हैं, जो स्वास्थ्य विभाग है, जो बिजली विभाग के हैं, जो आवश्यक सेवा दे रहे हैं, जो नल जल चला रहे हैं, जो अपनी जान की परवाह करते हुए जनता की सेवा कर रहे हैं, उसके लिए ताली बजाया गया है। चलिए उनके लिए ताली बजाया गया। चलिए चाचा को कम से कम इस बात का तो इल्म है कि भाई ताली क्यों बजाया गया था, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कहना ये है कि जो कटाक्ष करते हैं ना, जो सरकार विरोधी हैं, जो मोदी विरोधी हैं, उनके द्वारा ये कहा जाता है कि भाई ताली बजाया गया, क्यों बजाया गया, क्या फायदा हो गया, क्या कोरोना स्वागत किया गया है, उनको हौसला अफजाई किया गया है, जो हमारे कर्मचारी है, सफाई कर्मचारी है, जो अपने जान में परवाह करते हुए जनता का सेवा किए हैं, उनके लिए किया गया है, ये कोई पार्टी विशेष की बात नहीं है। पार्टी विशेष की बात नहीं है, बहुत बढ़िया बात आपने कहा। अच्छा ये सोच गंदा है, ये पार्टी वाले की सोच गंदा है। ये बताएं चाचा, अभी जो पुलिस वाले हमारे सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करके चल रहे हैं, अपनी जान को जोखिम में डाल के अभी चौक में, चौराहे पे, हाट बाजार में, हर तरफ वो घूम रहे हैं, प्रेस वाले घूम रहे हैं, मोबाइल शॉप वाले भाई मोबाइल, अच्छा हाँ, तो आप नगर पालिका से हैं, तो ये क्या कहेंगे इनके बारे में, ये अपनी जान को जोखिम में डाल के लगातार काम कर रहे हैं, लोगों की सुरक्षा व्यवस्था कर रहे हैं, उनको समझाई दे रहे हैं भाई, उनको बता रहे हैं कि वायरस ऐसे फैलता है, दूरी बना कर रखो आप, मास्क पहनो, है ना, और समय सीमा में अपना सामान खरीद के घर जाइए, अनावश्यक बाहर में ना रहें, यही सब की वो है मंशा है भाई। चलिए मंशा है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि जब हम लोगों की बात करते हैं, धारा 144 की बात करते हैं, 144 लगा हुआ है, लोग अपने घरों से निकलना नहीं पसंद कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग घूम रहे हैं, और उनको चाहे वो किसी भी ज़रूरत के लिए हो, कई फुटेज हमारे पास ऐसे आए कि जो पुलिस वाले हैं मोटरसाइकिल जो सवार हैं उनको पीट रहे हैं, उनको जबरदस्ती घर से बाहर घर जाने के लिए उनको बोल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस प्रकार के दृश्यों के बारे में? नहीं, ऐसा नहीं हुआ है और ऐसा नहीं कर रहे हैं, समझ गए, कोई आवश्यक सामान के लिए जो जा रहे हैं उसको नहीं भगाया जा रहा है, किसी पुलिस के द्वारा भी नहीं भगाया जा रहा है, समझ गए, अगर कोई इमरजेंसी इलाज के लिए जा रहा है उसको भी नहीं भगाया जा रहा है, ये कहना गलत है, ये लोगों का सुरक्षा व्यवस्था के लिए वो लोग लगे हुए हैं, ऐसा अनावश्यक किसी को परेशान नहीं कर रहे हैं, ये कहना गलत है लोगों का। चलिए अनावश्यक परेशान नहीं किया जा रहा है, आप नगर पालिका से जैसे आपने बताया, नगर पालिका क्या कर रही है इसके सुरक्षा को लेकर? नगर पालिका पूरा नाली में दवाई है ना, वो फिनाइल पाउडर साफ सफाई पूरा कर रहे हैं, और सुचारू रूप से नल का व्यवस्था, जल की व्यवस्था, टैंकर पानी की व्यवस्था, ये सभी कार्य किया जा रहा है। अच्छा ये कब कब छिड़काव किया जा रहा है जो केमिकल आप बताए? अच्छा केमिकल कौन सा डाला जा रहा है, नाम बता देंगे और कब कब है भाई? फिनाइल जो है और एक ब्लीचिंग पाउडर है ना, इसको जो नगर पालिका में उपलब्ध होता है,
उसी को डाला जा रहा है भाई। चलिए तो ये कब तक डाला जाएगा और कितना फायदा हो रहा है इससे? दिन का काम है, आज ही भर का कोरोना भर का थोड़ी ना, ये तो ये तो निरंतर है हमारा। अच्छा। सफाई नाली करना, पानी व्यवस्था करना, बिजली व्यवस्था करना, नगर पालिका का निरंतर कार्य है। चलिए, नगर पालिका का निरंतर कार्य है, वो लगातार कर रहे हैं। अच्छा, वो दिख रहा है कि नहीं उसमें? नहीं आ रहा, अभी तक नहीं आया। चलिए चलिए ठीक है, कुछ लोग और हैं, हम इनसे बात करते हैं। आप कुछ बोलना चाहेंगे? आप कुछ बोलना चाहेंगे जी? क्या कहेंगे शहीद दिवस को लेकर और कोरोना वायरस को लेकर? कोरोना बड़ा है कि शहीदों की शहादत बड़ी है? देखिए, अपनी अपनी जगह दोनों बड़ी है भाई। हाँ। उस परिस्थिति में शहीद बड़ा था, आज भी बड़ा है और कल भी रहेगा, हम रहें या ना रहें, ठीक है। और आज जो स्थिति देश में पैदा हुआ है, ये हम सबकी जवाबदारी है कि कोरोना से कैसे लड़ना है। कोरोना से कैसे लड़ना है ये हमारी जवाबदारी है, इसलिए हम यहाँ भी जो खड़े हैं बाकायदा डिस्टेंस बनाकर इस समझदारी से खड़े हैं। और मैं कहता हूँ, कहीं किसी को अगर झुंड में भगाया भी गया होगा कोई पुलिस वाला, तो किसी कारणवश मतलब उसको लगा होगा गलत हो रहा है तो भगाया होगा जी। ऐसे दुर्भावना से नहीं भगाया होगा, दुर्भावना से नहीं भगाया गया होगा। अब वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं, ये एक अच्छी बात है, बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए, चाहे कोई भी हो ना। अच्छा। और आज पूरा देश इससे मतलब कि डरा हुआ है, और डरा हुआ है इसलिए एक दूसरे का हौसला बढ़ा रहे हैं यहाँ आकर। ऐसे नहीं है कि हम जानबूझ के निकले हुए हैं भाई, दिन भर तो घर में थे, अब दोस्तों से मिले हैं, डिस्टेंस बनाकर खड़े हैं, है ना। हमको एहसास है और हमको अपने परिवार का भी चिंता है, और जो हमसे हमारा जो परिवार जो दूसरे जगह रहते हैं उनका भी चिंता है, और हम लगातार उनसे भी संपर्क कर रहे हैं फ़ोन से कि भाई आप डिस्टेंस बना रखो, बार बार हर एक दो घंटे में हाथ पैर धोते रहो, और कोई बाहर से भी आ रहा है उसको भी हाथ धोने के लिए कहो। ऐसे मतलब कि हम लोग बिल्कुल परिवार से मतलब सुरक्षा व्यवस्था। अच्छा, ये मोबाइल दुकान का ऑनर कौन है? आप हैं। अच्छा, ये बताएं व्यापार पे कितना प्रभाव पड़ा है इस कोरोना को लेके, इस 144 को लेके? पूरा पूरा फुल पड़ा प्रभाव उसमें। अच्छा, पर डे मतलब इनकम कितने का हो जाता था और अभी कितने रुपए का इनकम हो रहा है? तो बंद ही था, कोई इनकम का कोई चांस ही नहीं ना। तो इस बारे में क्या कहना है जो प्रभाव पड़ रहा है आपके रोजगार पे, क्योंकि सिर्फ आपकी बात नहीं है, सभी व्यापारियों की बात है। कोरोना को रोकने के लिए तो बहुत अच्छी बात है ये। अच्छा, एक मैसेज आया था कि एक दो व्यापारी हैं, वो लगभग 2 करोड़ का नुकसान करने के बाद खुश हैं कोरोना को रोकने में, कम से कम हम कामयाब हो रहे हैं करके, हम सहयोग कर रहे हैं करके, क्या कहेंगे इस विषय में? ठीक है, उनका जो ये विचार है अच्छी अच्छी बात है इसके लिए। अच्छा, और बाकी व्यापारियों को आप क्या कहेंगे कि भाई आप अपने दुकान ना खोलें, क्योंकि आपके दुकान में भीड़ हो जाता है, भले आप अन्य दिनों में बहुत कमाते होंगे लेकिन अभी थोड़ा सा नुकसान सहना जायज़ है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल जायज़ है ये। चलिए ठीक है। अच्छा, कोई अगर 2-4 पंक्तियां अगर बोल सके तो कोई बोल सकते हैं क्या? अरे बहुत बढ़िया जी, क्या कहेंगे? आज शहीद दिवस है, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और हमारे 17 जवान सुकमा में शहीद, 5 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया, बातें आ रही हैं, लेकिन क्या कहेंगे इस विषय में? भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और आज 17 जवानों को श्रद्धांजलि पूरा देश अर्पित तो करना चाह रहा है, लेकिन कोरोना बड़ा हो गया है इनके सामने में, उसके चक्कर में घर से नहीं निकल पा रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं सर, ये भावना होनी चाहिए, हमारे जो पूर्व क्रांतिकारी ने जो हमारे देश के आज़ादी के लिए जो सहयोग दिया, उनके शहादत को हम इनकार नहीं कर सकते, छोटा रूप नहीं दे सकते साहब, उन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। रहा सवाल साहब हमारे यहाँ जो बस्तर में जो आज मतलब कल जो हुआ है अटैक हुआ है, हाँ, वो भी हमारे लिए ही है, हाँ नहीं, अपनी कुर्बानी दी है सर। कोरोना जो है सर, ये भी है कि आज हम पूरी जनता आज उससे लड़ रहे हैं, हर किसी का ना तो जात ना पात ना धर्म ना तो राजनीतिक पार्टी, हर कोई मिल के हम लोग सर इस कोरोना से लड़ रहे हैं सर जी। चलिए बहुत अच्छी बात है। मैं एक सवाल आपसे करना चाहूँगा, आप कोई पार्टी विशेष से हैं क्या? नहीं सर, मैं एक सिविल ठेकेदार हूँ, गवर्नमेंट ठेकेदार हूँ सर। हाँ, मेरे साथ भी एक आपका अभी पहला क्वेश्चन सुना हूँ, हाँ। तभी मैं रुका हूँ सर, हाँ, वो मेरे साथ भी हो रहा है सर, मेरे भी लेबर हाँ बहुत परेशान है सर, क्योंकि रोज कमाते हैं रोज खाते हैं, हाँ नहीं, उनके साथ भी मेरे पर एक नोटिस मिला है कि 31 तारीख तक आपके द्वारा कोई भी काम नहीं करना है जी, है नहीं, तो मैंने उनको सांत्वना दी है, मेरे अधिकारी लोग मेरे को सांत्वना दिए, जान है तो जहान है, हाँ कमा लेंगे खा लेंगे, तो मैंने अपने जितने भी मेरा 54 का स्टाफ है सर, मैं नगर पालिका मुंगेली और 4 डिपार्टमेंट में सरकारी काम करता हूँ सर, ठेकेदार हूँ, है नहीं, तो मैं उनको हाफ पेमेंट दे रहा हूँ सर। अच्छा, पेमेंट कर रहे हैं? हाँ, हाफ पेमेंट दे रहा हूँ सर। अच्छा, तो ये हाफ पेमेंट करके क्या दिल में मलाल है, मेरा नुकसान हो रहा है, या फिर आपके अंदर में खुशी है कि मैं कोरोना से बचाव के लिए कुछ तो कर रहा हूँ? मैं सर अपने कर्मचारियों को संतुष्ट कर रहा हूँ सर जी, कि आप
जान है तो जहान है, आप अभी शांत रहिए, आपका जो आवश्यकता की पूर्ति मैं करूंगा जहां तक मेरे से हो सकता है। अगर 31 मार्च तक बोले हैं, अगर 15 अप्रैल तक भी बोलते हैं या 1 मई तक बोलते हैं तो मैं आपका साथ दूंगा। हाँ, आप लोग उसमें कोई टेंशन मत लो, मैं आपका खर्च पूरा करूंगा, मेरा कोई मलाल नहीं है सर, मैं उन्हीं के पीछे 2 पैसा कमा रहा हूँ। जब वो सुरक्षित रहेंगे तभी मैं सुरक्षित रहूँगा, क्योंकि मैं ठेकेदार हूँ, पहले उनको सुरक्षित मेरे करना है। बिल्कुल, चलिए, एक बहुत बढ़िया सवाल आपने, ये जवाब आपने दिया। एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये बताएं कि जैसे प्रधानमंत्री मोदी सबके सामने आए, उन्होंने कहा कि आप घर के बाहर में आकर तालियां बजाएं, 5 बजे की बात है, घरों से ना निकलें, 144 लागू कर दिया गया है, सारी बातें सही हैं, सुरक्षा व्यवस्था में जो तैनात हैं लोग उन सबको श्रद्धांजलि या कहें उनको सपोर्ट करने के लिए, उनका हौसला अफजाई करने के लिए वो चीज़ उन्होंने कहा, लेकिन क्या इसके अलावा वो ये भी कह सकते थे कि भाई हम जो व्यापारियों का व्यापार मंदा जा रहा है, जो उनको नुकसान हो रहा है, हम उनकी भरपाई करेंगे या किसी प्रकार का कोई सहयोग करेंगे, या हम अस्पतालों में और ज्यादा ट्रीटमेंट की व्यवस्था करेंगे, डॉक्टरों को और सुलभ कर देंगे, इस प्रकार की बातें और कही जानी थी क्या उनके द्वारा? सर, मेरा एक विचार था सर, है ना, जैसे व्यापारियों को बोलेंगे, है ना, बड़े बड़े उद्योगपति को बोलेंगे, ठेकेदार को बोलेंगे, इसमें मैं सहमत नहीं हूँ सर। इस नाम से जिस दिन मैं 1 लाख रुपये कमाता हूँ सर, आपको बताने के लिए नहीं आता हूँ कि मैंने 1 लाख रुपये कमाया, आज मेरा 15 दिन का व्यवसाय फर्क पड़ रहा है, है ना, तो मैं आज चीखूंगा क्या सर? देश के लिए मेरा फर्ज बनता है सर, 15 दिन नहीं, मैं 2 महीना भी अपना व्यवसाय को बंद करके अपने व्यवसाय अपने कर्मचारियों को पेमेंट कर सकता हूँ। नहीं, बिल्कुल, आपने एक बड़े व्यापारी के बारे में बात किया, मेरा जो सवाल था एक्चुअल में फुटकर व्यापारी जो दिहाड़ी करते हैं, जो गुपचुप का ठेला लगाते हैं, जो आपका फल बेच के अपना रोजी रोटी करते हैं, सब्जी बेचते हैं, ऐसे लोगों को भी प्रभाव पड़ रहा है। वैसे फल दुकान खुले होने की बातें कही गई है, चूंकि 144 लगा हुआ है, कोरोना वायरस का प्रकोप ज्यादा, इसलिए लोग निकल नहीं रहे हैं, आम दिनों में जो जितने सब्जी बेचे जाते थे, जितना फल बिकता था, वो आज नहीं बिक रहा है, तो उनको कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है, तो इन छोटे व्यापारियों की बात कर रहा हूं मैं। सर, मेंटेन हो जाता है सर। चलिए, मेंटेन हो जाता है। चलिए, बहुत 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 शुक्रिया इस बारे में बात करने के लिए। चलिए, अगर और कोई चाहता है कुछ बोलना, अरे आओ भाई, बिल्कुल, अरे आओ यार। चलिए, क्या बोलना चाहेंगे? आज है शहीद दिवस, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, एकदम खुद क्रांतिकारी लग रहे हो, क्या कहोगे इस बारे में? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, कुछ भी बोल सकते हो। एक मिनट, थोड़ा सा, मेरा सवाल ये है, खुद आप क्रांतिकारी लग रहे हो, क्रांतिकारियों की अगर बात करें तो 3 नाम आता है, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, और बहुत सारे लोग थे, लेकिन इनका इसलिए आज हम जिक्र कर रहे हैं क्योंकि आज है 23 मार्च, 23 मार्च को इनको फांसी चढ़ा दिया गया था, और अभी हाल ही में सुकमा में अपने 17 जवान शहीद हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे इन क्रांतिकारी और हमारे जवानों के बारे में? इन सबको मैं सत सत नमन करता हूँ, इनके वजह से आज हम इतने सुख से रह रहे हैं यहाँ। हमारे 17 जवान जो कल शहीद हो गए, उनके उन माओवादियों ने उनको एम्बुश लगाकर उनको घायल किया, उनको शहीद किए, उनको खोज के लिए गए थे वो माओवादी को, और उनको एम्बुश लगा के उनको शहीद किया, उनके नाम से आज हम इतने सुख में। चलिए, उनकी वजह से हम ये आज अच्छे से सांस ले पा रहे हैं, अच्छे से जीवन यापन कर पा रहे हैं। कोरोना वायरस को लेके मुंगेली में किस प्रकार से आम जनता उसको देख रही है, क्या कहेंगे? नहीं, कोरोना को जान तो रहे होंगे ना, इसके लिए मैं कुछ नहीं बोलूं, कोरोना के लिए कुछ नहीं कहना चाहेंगे क्योंकि बहुत गंभीर बीमारी है, जानकारी उतनी नहीं हो पाई है। चलिए, बहुत अच्छे अच्छी बात है। तो जैसा कि आप देख रहे थे, आरजे रमझाझर आपको लाइव दिखाने की कोशिश कर रहा है किस प्रकार से यथास्थिति है मुंगेली की। दाऊपारा चौक में हम खड़े हुए हैं, हमारा कैमरा देख के बहुत सारे लोग यहाँ पर रुके, और हमने कोशिश की सबके दिल की बात को सामने लाने की कि वो एक आम नागरिक क्या चाहता है। चलिए, अगर और कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं, बाकी आप मेरे पीछे देख सकते हैं पीसीआर वैन जा रही है लगातार, पुलिस का गश्ती जो टीम है वो लगी हुई है, आपको पीछे दिखा दूँ, यहाँ पर ट्रैफिक जवान खड़े हुए हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जो भीड़ भाड़ है होने जा रहा है उसको वो कंट्रोल करें, कम करें। और बाकी अगर हम आम लोगों की बात करें तो व्यापारियों को, हाँ, निसंदेह उनको लॉस तो हो रहा है, लेकिन उस लॉस में भी उनकी खुशी साफ रूप से झलक रही है, क्योंकि वो कोशिश कर रहे हैं कि जो ये गंभीर बीमारी है, जैसे चीन में उन्होंने त्राही माम की कंडीशन कर दी, इटली में उन्होंने इस प्रकार की स्थिति बना दी, तो वो कम से कम भारत में ना बने। और ये इसलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि यहाँ के लोगों में एकता है, आपसी भाईचारा है, और हम सब मिलकर कोशिश कर रहे हैं इस बीमारी को इस देश से कम खदेड़ लें। ऐसी खबरों के लिए बने रहें आरजे रमझाझर के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, खबरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और बने रहें हमारे साथ। मैं हूं पुखराज सिंह, कैमरा के पीछे हैं अजीत जायसवाल, और मेरे साथ में है मानसराज दिवाकर। नमस्कार।
और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारे खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार।